हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स स्क्वाड। जैसा कि आपको पता है कि लर्नर्स स्क्वाड पर शुरू हो चुका है नवोदय विद्यालय स्कूल केंद्रीय विद्यालय डी ट्रिपल एस बी के लिए इंग्लिश TGT या फिर PGT के फॉर्म्स के लिए जो लोग भी एलिजिबल हैं उसके लिए डेडिकेटेड क्लासेस का सेशन शुरू कर दिया गया है, जिसमें कल हमने एक हिस्ट्री और एक इंट्रोडक्शन किया था इंग्लिश लिटरेचर का, उसी के साथ हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो आज हम उसमें बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर आपको नवोदय विद्यालय स्कूल से रिलेटेड कोई भी न्यू वीडियो चाहिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड दैट। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो टाइम है वो बिटवीन 450 टू 1066 के बीच में लिया गया है। ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने लायक है। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताते चलूँगी, तो आप इसकी नोट्स, शॉर्ट नोट्स तो बना ही सकते हैं। जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है और एंग्लो सैक्सन पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड को एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, इज़ द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल फॉर्म ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन इन इंग्लैंड एंड साउदर्न एंड ईस्टर्न स्कॉटलैंड इन द अर्ली मिडिल एजेस। तो जो अर्ली स्कॉटलैंड का पीरियड था या फिर अर्ली इंग्लैंड का पीरियड था, वहाँ पर ओल्ड इंग्लिश पीरियड को मोस्टली जाना जाता है और इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज ब्रॉट टू ग्रेट ब्रिटेन बाय एंग्लो सैक्सन सेटलर्स। इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये एंग्लो सैक्सन सेटलर्स के द्वारा ग्रेट ब्रिटेन में लाया गया था प्रोबेबली इन द मिड 5th century। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये मिड ऑफ 5th century में आया था इंग्लैंड में। एंड द फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश लिटरेरी वर्क्स डेट फ्रॉम द मिड 7th century। और जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेरी वर्क है उसको, जो पहला इंग्लिश लिटरेरी वर्क ऑब्वियसली कहा जा सकता है, उसको उसका जो टाइमिंग है उसको माना गया है 7th century के मिड में। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066 इंग्लिश वॉज रिप्लेस्ड फॉर अ टाइम एज द लैंग्वेज ऑफ द अपर क्लासेस बाय एंग्लो नॉर्मन, ए रिलेटिव ऑफ फ्रेंच। तो यहाँ पर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था इंग्लैंड में 1066 में, जहाँ पर विलियम द कंक्वेरर ने इन्वेडर्स को हराया था। ब्रिटेन पहले छोटे छोटे ट्यूटोनिक ट्राइब्स थे जिनके अंदर डिवाइडेड था, इनफैक्ट ब्रिटेन पे ब्रिटिशर्स का शासन नहीं था, ट्यूटोनिक ट्राइब्स जो थे वो लोग शासन करते थे, जिनमें मोस्टली एंजल्स, ज्यूड्स एंड सैक्शंस थे। उसी में से एंग्लो सैक्शंस बने थे, जो एंग्लो तो होते ही हैं ब्रिटिशर्स, तो उन जो सैक्शन और एंग्लो को जो एक कह सकते हैं जो उनका इंटरमिंगलिंग था, उससे एंग्लो सैक्शंस सेटलर्स बने थे और जिनकी वजह से इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा गया है। तो जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ 1066 में, तो इंग्लिश को रिप्लेस कर दिया गया था, जो अपर क्लास थी उसको एंग्लो नॉर्मन में तब्दील कर दिया गया था, उसको एंग्लो नॉर्मन बना दिया गया था, जो एक रिलेटिव थे फ्रेंच के। दिस इज़ रिगार्डेड एज मार्किंग द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश एरा। ये ओल्ड इंग्लिश एरा का एक एंडिंग टाइम माना गया है जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, जहाँ पर विलियम द कंक्वेरर ने इन्वेडर्स को हराया था। एज ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लिश लैंग्वेज वॉज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय एंग्लो नॉर्मन, डेवलपिंग इनटू अ फेज नोन नाउ एज मिडिल इंग्लिश। तो यहाँ पर एक मिडिल इंग्लिश का छोटा सा, क्योंकि ओल्ड पीरियड के बारे में हमें ज़्यादा चीज़ें ऐसे रिटन फॉर्म में पता नहीं है, उसका सिर्फ एक ही फेमस बुक है, बाकी 3 और बुक्स भी हैं बट उनके बारे में हमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज नहीं है। तो उस टाइम को मोस्टली मिडिल इंग्लिश पीरियड में थोड़े बहुत चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिली है, तो वहाँ से चीज़ों को ज़्यादा कोरिलेट करके समझा जा सकता है। तो जो एंग्लो नॉर्मन थे उनका जो फेस था वो मिडिल इंग्लिश पीरियड का कहलाया था। ओल्ड इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ एंग्लो फ्रीजियन और इंगवानिक डायलैक्ट्स ओरिजिनली स्पोकन बाय जर्मनेटिक ट्राइब्स ट्रेडिशनली नोन एज द एंगल सैक्शंस एंड जूट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उस टाइम पर ट्यूटोनिक ट्राइब्स या फिर इनको जर्मनिक ट्राइब्स कहा जाता था, जो एंजल्स थे, जूट्स थे एंड सैक्शंस थे। एज द एंग्लो सैक्शंस बिकेम डोमिनेंट इन इंग्लैंड, फिर क्या हुआ कि एंग्लो सैक्शंस जो थे वो डोमिनेंट हो गए इंग्लैंड में। देयर लैंग्वेज लिप्रेस द लैंग्वेज ऑफ रोमन ब्रिटेन। पहले वहाँ पर रोमन ब्रिटेन की लैंग्वेज चलती थी, बट जब इनका डोमिनेंट हो गया, जब इनका शासन चलने लगा, तो वहाँ पर एंग्लो सैक्शंस का जो लैंग्वेज था उसने डोमिनेंट भी कर लिया। कॉमन ब्रिटोनिक एसेल्टिक लैंग्वेज एंड लैटिन ब्रॉट टू ब्रिटेन बाय रोमन इन्वेंशंस।
कॉमन ब्रिटोनिक, सेल्टिक लैंग्वेज और लैटिन, ये सब कुछ ब्रिटेन में जो आई है वो रोमन इन्वेंशन से आया हुआ है। एंड लैटिन ब्रॉट टू ब्रिटेन बाय रोमन इन्वेंशन। ओल्ड इंग्लिश हैड फोर मेन डायलैक्ट्स एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर, जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था वहाँ पर मोस्टली फोर मेन डायलैक्ट्स थे। एक तो थे एंग्लो सैक्सन किंगडम्स, दूसरे थे मर्सियंस, तीसरे थे नॉर्थम्ब्रियन एंड फोर्थ थे कैंटिश एंड वेस्ट सैक्शंस। तो जो भी इनका इंटरमिंगलिंग हुआ होगा ये उससे रिलेटेड यहाँ पर चार पर्टिकुलर ट्राइब्स थे। इट वॉज वेस्ट सैक्शन दैट फॉर्म द बेसिस फॉर द लिटरेरी स्टैंडर्ड फॉर द लेटर ओल्ड इंग्लिश पीरियड। जो लेटर ओल्ड इंग्लिश पीरियड था उसके लिए जो एक लिटरेरी फॉर्म का बेस जो तैयार किया था वो वेस्ट सैक्शंस के द्वारा तैयार किया गया था। ऑल दो द डोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ मिडिल एंड मॉडर्न इंग्लिश वुड डेवलप मेनली फ्रॉम द मर्सियन। और जो मॉडर्न एंड मिडिल इंग्लिश पीरियड था वहाँ पर मोस्टली मर्सियंस के द्वारा किया गया था। द स्पीच ऑफ ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड वॉज सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग ओल्ड नॉर्स इन्फ्लुएंस ड्यू टू स्कैंडिनेवियन रूल एंड सेटलमेंट बिगिनिंग इन द 9th सेंचुरी। स्पीच जो है ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड की, इसकी स्टार्टिंग मोस्टली 9th सेंचुरी से मानी जाती है। ओल्ड इंग्लिश इज़ वन ऑफ द वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेजेस। जो ओल्ड इंग्लिश है वहाँ की जो लैंग्वेज है वो वन ऑफ द वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज यानी पश्चिमी जर्मनी की भाषा है। एंड इट्स क्लोजेस्ट रिलेटिव्स आर ओल्ड फ्रीजियन एंड ओल्ड सैक्शंस। और ये ओल्ड फ्रीजियंस जो थे और ओल्ड सैक्शंस जो थे ये उनसे मोस्टली रिलेटेड है। लाइक अदर ओल्ड जर्मनिक लैंग्वेज इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश एंड डिफिकल्ट फॉर मॉडर्न इंग्लिश। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ने में, समझने में, स्पीकर्स टू अंडरस्टैंड विदाउट स्टडी। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर इज सिमिलर टू डेथ ऑफ मॉडर्न जर्मन। ये मॉडर्न जर्मन से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, जैसे कि वहाँ पे जो नाउन्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउन्स एंड वर्ब्स जो यूज़ किया जाता था वैसे ही वर्ड्स मॉडर्न जर्मन में भी यूज़ किए जाते हैं। द ओल्डेस्ट ओल्ड इंग्लिश इंस्क्रिप्शंस वर रिटन यूजिंग अ र्यूनिक सिस्टम। जो ओल्ड इंग्लिश का इंस्क्रिप्शन लिखा गया था वो र्यूनिक सिस्टम में लिखा गया था। बट फ्रॉम अबाउट द 8th सेंचुरी दिस वॉज रिप्लेस्ड बाई अ वर्जन ऑफ द लैटिन अल्फ़ाबेट। लेकिन जब लैटिन आ गया तो वहाँ पर जो इनका इंस्क्रिप्शन लिखा जा रहा था, जो इनकी प्रतिलिपियाँ लिखी जा रही थी, उसको इन्होंने लैटिन अल्फ़ाबेट में चेंज कर दिया था। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में तो पता नहीं है। वहाँ पर यूजेस ऑफ स्कोप्स, बार्ड्स एंड ग्लीमैन या फिर ये सब ऐसे ही पोएट्स थे। और पोएट्स जो थे वो परफॉर्म करते थे बाय सिंगिंग आफ्टर बैटल। वहाँ पर बैटल होता था उसके बाद पोएट्स अपनी परफॉर्मेंस देते थे, क्योंकि उस टाइम में लोग इतना ज़्यादा अपने लैंग्वेज को लेकर के, अपने लिटरेरी टर्म्स को लेकर के इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे। पोएट्स का काम क्या था, जब राजा युद्ध लड़ के आते थे तो उसके बाद वो सिंगिंग करते थे, राजा का बस बखान करते थे और क्या। तो सबसे पहला यहाँ पर एक बुक मिली है बियोवुल्फ, जिसके बारे में इसको कहा जाता है कि फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश जर्मन एपिक। ये पॉइंट नोट करने लायक है, इंग्लिश जर्मन एपिक। इसकी जो लैंग्वेज है वो जर्मन में थी। तो यहाँ पर एक पहला पेज है जो बियोवुल्फ लिखा गया था, उसका जो पेज मिला हुआ है मोस्टली ये, इसकी लैंग्वेज तो भाई जर्मन है तो समझने में थोड़ा सा मुश्किल है। मैन्युस्क्रिप्ट विद इट्स ओपनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैपैट पी गार्डिना इनिगर डैगम प्योट सिनिंगा प्रेम गी फ्रोनन, यानी कि लिसन वी ऑफ द स्पीयर डेन्स फ्रॉम डेज ऑफ योर हैव हर्ड ऑफ द ग्लोरी ऑफ द फॉक किंग। यहाँ पर एक मूवी भी बनी हुई है बियोवुल्फ 2007 मूवी, जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं, ग्रैंडाल हैं, बियोवुल्फ हैं, रॉथगर हैं, मदर ऑफ ग्रैंडाल हैं, ये सब मेन कैरेक्टर्स हैं। अगर आपके पास टाइम हो आप अपने एग्जाम्स के बाद इसको देख सकते हैं, मूवी अच्छी है। मोस्टली ये हमें, तो सबसे पहली चीज़ तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश जर्मन एपिक है, तो हम इसको देख करके थोड़ा इसके बारे में जान सकते हैं। बट मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बियोवुल्फ हैं इनको एक महान योद्धा माना गया है। इनके लड़ाई करने से लेकर के जो ग्रैंडाल है वो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि नेगेटिव रोल में है, तो ग्रैंडाल को मार देता है बियोवुल्फ। जो किंग हॉर्थगर हैं उन्होंने बुलाया रहता है बियोवुल्फ को, फिर वो हॉर्थगर अपने उनका जो शासन है उसको बियोवुल्फ को सौंप देते हैं। फिर जो ग्रैंडाल की मदर हैं वो बियोवुल्फ के साथ बदला लेने के लिए आती हैं, जिन योद्धाओं के साथ गया रहता है उनको मार देती हैं। लेकिन फिर बियोवुल्फ से उनकी लड़ाई होती है, तो पता नहीं क्या बहुत सारी चीज़ें हैं,
ऐसे छोटे से वीडियो में तो डिस्कस नहीं हो सकता है, बट आप इसको देख सकते हैं। पॉइंट ये याद करने के लिए है कि जो बेओवुल्फ है वो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश जर्मन एपिक है। सो उस टाइम पे चार बुक्स मोस्टली फेमस थी, एक तो बेओवुल्फ, दूसरी वर्सेली, तीसरी एग्जेटर एंड फोर्थ वन इज़ जूनियस। तो ये आप याद कर सकते हैं। इस पीरियड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि इसको एक एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा गया है, ये पॉइंट याद करने के लिए है। दिस पीरियड एंडेड विद फ्रेंच एम्पायर इन ब्रिटेन बाय नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था जहाँ मैंने आपको बताया विलियम द कंक्वेरर ने इन्वेडर्स को हराया था 1066 में, और इसी के साथ ही ये पीरियड यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम आगे बात करेंगे मिडिल पीरियड की हमारे अगले वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, बाय आकांक्षा मिश्रा। और अब हम बातें करेंगे मिडिल पीरियड के बारे में, जहाँ पर हम 1066 से लेकर के उसके आगे मिडिल पीरियड 1485 तक का है, वहाँ तक के लिए हम बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यहाँ पर मैं एक APJ अब्दुल कलाम जी का मेरा बहुत ही फेवरेट कोट है, उसको बोलना चाहूँगी। इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। सो स्टडी हार्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड। और आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड जो कोई भी चीज़ें समझ में आती हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर एक बार चेक करूँगी। और आपको जो भी वीडियोस चाहिए, अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या फिर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।